नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। वक्त हो गया है एमपी अब तक का, मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी ने की है बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक हुई। बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। कहा कि पीएम मोदी के दिए टारगेट पर इस बैठक में मंथन किया गया। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के टारगेट को लेकर रणनीति बनाई गई। से काम पे तो लगे ही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान धारा 370 के लिए जो हुआ, तो उस भाव के साथ हर बूथ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 370 वोटों का समर्पण भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से करेंगे। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट खंडवा दौरे पर पहुंचे। यहां तुलसी सिलावट ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तुलसी सिलावट ने कहा कि कांग्रेस ग्रुपों में बढ़ गई है। पहले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का गुट था, अब जीतू पटवारी का तीसरा गुट तैयार हो गया है। साथ ही तुलसी सिलावट ने कहा कि हम कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में नहीं बुला रहे। जिनकी विचारधारा और आस्था हमारे साथ है, वो ही अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो अपने परिवार को संभालना चाहिए, अपनी कांग्रेस को संभालेगी। कांग्रेस बची का समूह बचा, एक समूह दिग्विजय सिंह जी का, एक कमलनाथ जी का, एक अब जीतू जी आ गए उनका, तो कांग्रेस तो पहले इनको, कांग्रेस को ये खुद संभाले। हम किसी को लेने नहीं जा रहे, हम किसी को बुलाने नहीं जा रहे। जो हमारे विचारधारा में जो आस्था रखता हो, जो विश्वास रखता हो, उसके लिए तो हम तो विकास और प्रगति की बात। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता एक साथ चलेंगे, इस बात की जानकारी कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा ने दी। साथ ही के मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव हारी है, आत्मविश्वास नहीं, इसीलिए राहुल गांधी के पहले वाली यात्रा में जैसे कांग्रेस के नेता एकजुट होकर शामिल हुए थे, उसी तरह से इस बार भी इस यात्रा में शामिल होंगे। पिछली यात्रा में भी दिखे थे, इस बार भी दिखेंगे, आगे जो यात्राएं होंगी उसमें भी सब दिखेंगे। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करेगी। हम लोग विधानसभा चुनाव हारे हैं, आत्मविश्वास और जिंदगी नहीं हारे हैं। दिल्ली में पुलिस हिरासत में लिए गए दिग्विजय सिंह, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईवीएम को लेकर यहां पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन के दौरान दिग्विजय सिंह को हिरासत में लिया गया और पार्लियामेंट थाने ले जाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ यहां पर धरना दे रहे थे दिग्विजय सिंह, और बिना इजाजत के ये धरना यहां पर दिया जा रहा था, इसीलिए यहां हिरासत में लिए गए दिग्विजय सिंह, जिन्हें पार्लियामेंट्री थाने ले जाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ धरने पर बैठे थे कांग्रेसी नेता, जिसमें दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी शामिल थे, और जब उन्हें हिरासत में ले जाया गया तब की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वह इस गिरफ्तारी पर वीडी शर्मा ने तंज कसा, कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए दिग्विजय सिंह ईवीएम का राग अलापते रहते हैं। मीडिया में आने के लिए, गांधी परिवार के नजदीक जाने के लिए वो लगातार अनर्गल इस प्रकार के प्रयास वो करते हैं, बयान देते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो इसलिए देश के अंदर कानून अपना काम कर रहा है। तो आज जो मुझे बता रहे हैं कि जो उस पर उनकी जो गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है, तो दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जो आवश्यक हुआ वो कदम उठा रही हो। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम के ओएसडी की नियुक्ति की गई है। सीएम के ओएसडी के तौर पर आनंद शर्मा की नियुक्ति की गई है। आनंद शर्मा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, तो सीएम के ओएसडी की नियुक्ति हुई, आनंद शर्मा बने सीएम के ओएसडी। सिंहस्थ की जिम्मेदारी संभालेंगे आनंद शर्मा, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं आनंद शर्मा, जिन्हें सीएम के ओएसडी के तौर पर अपॉइंट किया गया है।
लोकसभा चुनाव के लिए एमपी में बीजेपी रणनीतियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर चुकी है। बीजेपी अगले 100 दिन के लिए मेगा प्लान पर काम कर रही है। उधर बीजेपी की तैयारियों पर कांग्रेस का तंज देखने को मिला है। कहना है कि चुनाव के समय ही बीजेपी इस तरह के प्लान बनाती है। चुनाव जीतने के लिए चुनावी रणनीतियां सियासी दल बनाते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति को सर अंजाम देना शुरू कर दिया है। शनिवार को दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में 25 फरवरी से शुरू हो रहे 100 दिन के जनसंपर्क अभियान पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही राज्यों के आला नेता शामिल होंगे। 100 दिन के जनसंपर्क अभियान में बीजेपी अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। दलित बस्तियों में योजनाओं का जिक्र किया जाएगा। लाभार्थियों के घर घर कार्यकर्ता पहुंचेंगे। दलित बस्तियों में राम मंदिर का ज्यादा जिक्र नहीं होगा। अभियान को लेकर बीजेपी का कहना है कि लाभार्थियों से पार्टी का संपर्क हमेशा रहा है और ये योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए होता है। बीजेपी ने हर वर्ग के लिए कार्य योजना तैयार की है और आने वाले समय में इसे पूरा किया जाएगा। सतत संपर्क और संवाद भारतीय जनता पार्टी की निरंतर चलने वाली कार्य पद्धति है। चुनाव हो या ना हो, ये निरंतर चलता रहता है। चुनाव की दृष्टि से वृहद संपर्क अभियान, जिसमें अलग अलग वर्ग हैं, हितग्राही हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये सब संपर्क हमारा कार्यकर्ता करेगा, ताकि 10% अधिक वोट शेयर मोदी जी के नेतृत्व की सरकारों ने जो काम किए जनता के बदलने, उनको पहुंचा के हासिल किया। उधर बीजेपी के जनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस ने निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए दलित और आदिवासियों को याद करती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दलित और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, इस पर पार्टी जवाब क्यों नहीं देती? देखिए, सबसे पहले तो दलित आदिवासियों के लिए ये बताया कि उनकी आबरू सुरक्षित रहे, उनकी जान सुरक्षित रहे, क्योंकि भाजपा सरकार में इसी मध्य प्रदेश में हम सब ने देखा, किसी को सीधी का पेशाब कांड कोई भूल सकता है क्या? खुले तौर पर एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया। अभी कुछ दिन पहले बैतूल में जिस तरह से एक नंगा करके उल्टा लटका के बेचारे एक आदिवासी को पीटा जा रहा था, और भी कई हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं। सबसे पहले भाजपा उनका जीवन सुरक्षित करे, उसके बाद जो भी अभियान चलाने हैं आप चलाएं। वैसे भी आप हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, आपने जो जनता से वादे किए वो उनकी तरफ तो आपका कहीं कोई ध्यान नहीं है। चुनाव को जीतने के लिए हर दल अपनी रणनीति तैयार करता है। रणनीति जनता के बीच जाने और उसके मुद्दों को सरोकार बनाने की होती है। जाहिर है, इस पर सियासत भी होती है। यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी के जनसंपर्क अभियान पर निशाना साध रही है। लेकिन ये कांग्रेस को भी बखूबी पता है कि चुनाव में इसका फायदा होता है। रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में बीजेपी ने चौंकाया था। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी एक बार फिर चौंका सकती है। उधर युवाओं को तरजीह देने वाले जीतू पटवारी के बयान के बाद कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस भी चौंकाने के मूड में है। उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। अपनी चुनावी रणनीतियों से चौंकाने वाली बीजेपी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारकर राजनीति के पंडितों को चौंकाया था। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के सिलेक्शन से बीजेपी एक बार फिर चौंकाएगी। जानकारों की माने तो कई सिटिंग सांसदों की सीट खतरे में है। मसलन सतना से गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते का टिकट खतरे में है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन, इंदौर सांसद शंकर लालवानी का टिकट भी खतरे में बताया जा रहा है। ग्वालियर से विवेक शेजवलकर, सागर से राजबहादुर सिंह, विदिशा से रमाकांत भार्गव का टिकट भी खतरे में है। गुना से केपी यादव का टिकट भी कट सकता है। 74 साल के नजदीक उम्र वाले सांसदों के टिकट पर भी सस्पेंस है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी 15 नए चेहरों को लोकसभा में उतार सकती है। बीजेपी के नए चेहरों पर दांव लगाने की खबरों के बीच कांग्रेस और बीजेपी में जबानी जंग भी शुरू हो गई है।
बीजेपी को टिकट बदलने की जरूरत नहीं, उनको उनकी नीति और नियत बदलने की जरूरत है। उनकी नियत जो भ्रष्टाचार से भरी हुई है, वो नियत जो कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप को गुलाम समझने की बनी हुई है। मध्य प्रदेश में आदरणीय 90% से ज्यादा सांसद ना तो इनके क्षेत्र में पलट के आते हैं, ना कोई जनता के लिए काम करते हैं, और सिर्फ भगवान के नाम पे वोट मांग के इधर उधर निकल जाने का काम करते हैं। जनता प्रताड़ित होती रहती है। गुण दोष के आधार पर जीतने वाले उम्मीदवार को लेकर उस पर मंथन होता है और उस पर टिकट की घोषणा होती है। इसलिए ये कहना जल्दबाजी है कि चेहरे बदले जा रहे हैं, नहीं बदले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी राष्ट्रीय परिषद में कहा कि कमल हमारा चेहरा है, आप कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा इस पर मत जाइए, कमल हमारा चुनाव चिन्ह है और हमारी रीति नीति विचार हमारा प्राण है। उधर कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने 50% टिकट युवाओं को देने की घोषणा की है। जानकारियों की माने तो कांग्रेस के सीनियर नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्यसभा का अभी सदस्य हूँ और 2.5 साल मेरे पास और है, इसलिए अभी मेरा कोई इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है। 2019 में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। अब जबकि लोकसभा चुनाव होंगे, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। हालांकि नए चेहरों को मौका मिलने की खबरें दोनों दलों से आ रही हैं। ऐसे में कई दिग्गजों की सांस टिकट कटने के डर से थमी हुई है, तो कई नेता इसे सियासी पिच पर बैटिंग करने का मौका भी मान रहे हैं। प्रशांत कटारे, न्यूज 18, मध्य प्रदेश।